Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So today, without wasting any time, as it is a very, very simple letter. Obviously, there is nothing much. That basically there is an patient. This patient has been in your care for past 10 years. During the past 8 years, Mr. William has developed diabetes. It is not well controlled. You are referring to a public health nurse for a health education program. So यहीं से आपको पर्पस पता लग रहा है. वैसे always start the letter from the end. That is what I always teach. तो लास्ट से पढ़ रहे हैं. Case notes writer refer letter to Mrs. Public Health Nurse. तो public health nurse को आप letter लिख रहे हो. Victoria, Australia में. So public health nurse mostly public health nurse क्या करते हैं? Most of the time public health nurse education provide करते हैं. मतलब basic चीजों के बारे में. Diabetes के बारे में. HIV के बारे में. Hepatitis के बारे में. So they spread the education. So that is what their job is. तो वही एक्जैक्टली मेरा लेटर है. जैसे ही मैं पब्लिक हेल्थ नर्स पढ़ता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ आज का लेटर क्या है मेरा. तो वो जनरल नॉलेज देगा उसको रिगार्डिंग एनी डिजीजेज. सो अगर आप देखोगे पेशेंट हैज बीन इन योर केयर फॉर 10 ईयर्स. वैसे तो आप यहीं से देख सकते हो कि सिंस और फॉर का जब भी यूज होता है तो वहां पे हैज बीन का यूज होता है. यही तो चीज आपको सिखाते हैं हम. दिस इज वट वी टीच यू. अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से पढ़ो यू कैन लर्न लोट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट. लोट ऑफ थिंग्स जैसे फर्स्ट लाइन दिस लेटर इज बीइंग रिटन. मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखा तो 88 ईयर्स से डायबिटीज है और जो कि वेल कंट्रोल्ड नहीं है. तो हिस्ट्री में देखा तो उसको नॉन इंसुलिन डायबिटीज है. 8 ईयर्स अगो हुई थी. प्रिस्क्राइब टेबलेट्स डायग्नोसिस हैज मॉनिटर यूरिन स्टेनिक्स नॉट ऑलवेज वेल कंट्रोल्ड डज नॉट केयर अबाउट. सो ये उसकी सारी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री है कि वो फॉलो नहीं करता. ओवरवेट है 30 ईयर से. विजन ओके है. वो स्पेक्टेकल्स. ग्रैंड मदर हैड डायबिटीज. ये लिखना जरूरी है क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है. हस्बैंड इज ऑल्सो डायबिटिक. ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हस्बैंड की डायबिटीज वाइफ में नहीं आ सकती. तो ये इतना जरूरी पॉइंट नहीं है पर लगता है ऐसे है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सेव योर वर्ड काउंट ओवर हियर. पर फैमिली हिस्ट्री ये लिख सकते हो ग्रैंड मदर को है. ये आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होता है. जल्दी जल्दी में ना हम स्मार्ट प्ले भूल जाते हैं तो लिख देते हैं हस्बैंड इज ऑल्सो डायबिटिक. हस्बैंड की डायबिटीज से वाइफ का कोई लेना देना नहीं है. तो नो स्पेशल डाइट. ट्राइज नॉट टू हैव शुगर. कोशिश करती है. डायबिटिक कोडियल भी बाय करती है लेकिन टेस्ट फूड वाइल प्रिपेयरिंग मील्स. तो मतलब केयरलेस है अपनी. फ्रूट बहुत खाती है. अनअवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ केयरलेस डाइट. हैज ट्रबल लूजिंग वेट. लिटल एक्सरसाइज. मतलब कोई काम भी नहीं करती. ओवरवेट है. तो अब ये सब कुछ ओपन करके नहीं लिखना होता. ग्लास ऑफ वाइन. बस आप ये जब लिखते हो शी इज केयरलेस अबाउट हर डाइट इसमें ये सब पॉइंट्स कवर हो जाते हैं. तो ये नहीं लिखना. ये नहीं लिखना है ना. नो स्पेशल डाइट. ये नहीं लिखना. लाइक्स ग्लास ऑफ वाइन. तो आप लिख सकते हो बट इट्स बेटर टू अवॉइड. आप इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में कवर कर सकते हो. शी इज केयरलेस अबाउट हर डाइट एंड डजंट नो अबाउट द एंड इज अनअवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ केयरलेस डाइट. तो बस ये. दैट इज वाई शी इज हैविंग ट्रबल इन लूजिंग वेट एंड डज वेरी लिटिल एक्सरसाइज. 4 चिल्ड्रन है. नॉट इम्पोर्टेंट. गेट्स ऑन वेल विद हस्बैंड. नॉट इम्पोर्टेंट. Visiting her daughter in the country, not important. Has active social life, not important. अब आता है treatment plan. तो treatment plan is the main thing, purpose of the letter. वैसे तो मैं आपको हमेशा यही सिखाता हूँ कि letter को यहाँ से पढ़ना है किसको लिख रहे हैं और ये जो treatment plan है, treatment plan का मतलब यही तो main है. यही तो main चीज है. यही तो purpose of the letter है. Public health nurse को क्या करना है? Monitor करना है urine with glucometer. तो एग्जैक्ट बताएं ब्लड शुगर लेवल कितना चल रहा है. तो पब्लिक हेल्थ नर्स को क्या करना है? एजुकेट करना है रिगार्डिंग डायबिटीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल डाइट. तो यही तो है हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम रिगार्डिंग डायबिटीज. नीड टू अटेंड फॉर्मल डायबिटिक एजुकेशन प्रोग्राम डे क्लासेज एट हॉस्पिटल. तो एनकरेज करेंगे इसे. पेशेंट शुड अटेंड फॉर्मल डायबिटिक एजुकेशन प्रोग्राम इन द डे टाइम क्लासेज एट हॉस्पिटल. तो इसको एनकरेज कर सकती है. तो यहाँ पे राइट वर्ड नीड्स टू नहीं, एनकरेज वर्ड आना चाहिए. काइंडली एनकरेज द पेशेंट टू अटेंड. इंक्रीज डाउनहिल फ्रॉम दिस 15 mg टू 30 mg. वैसे ही जरूरी नहीं है पब्लिक हेल्थ नर्स करे पर कर भी सकती है. तो आप इसे लिख भी सकते हो नहीं भी. पेशेंट शुड गेट हिज विजन वाला पॉइंट लिखो ही मत जब उसकी विजन ओके है. नीड्स टू लूज वेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 3.5 kg इन लास्ट 3 months. तो बढ़ गया है. सजेस्ट अ सुटेबल एक्सरसाइज प्रोग्राम लाइक स्विमिंग. So these are the points. So this is the discharge plan. If I understand this point, it is kind of a health education program regarding diabetes. Aur वैसे भी ऊपर word दिया हुआ था health education program regarding diabetes. And इन सब को हम कह सकते हैं and instructions जो वो follow करे so that diabetes can be controlled. तो अगर आप purpose of the letter देखोगे तो it's very easy to
टॉक अबाउट द पर्पस. देखिए अब फर्स्ट लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, ये मेन चीजें आपको लिखना सिखा रहा हूँ. आई नो लेटर बहुत आसान है, तभी तो ये दिन होता है अपनी ग्रामर की मिस्टेक ठीक करने का, तभी तो दिस इज द डे वेयर यू कैन लर्न फर्स्ट एंड फोर्थ पैराग्राफ विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. तो प्लीज इसको रिवाइज करना, इसको ईजी मत लेना. ईजी तो सब कुछ है ओईटी में, इफ आई से मेरे को तो मुश्किल लेटर भी आसान लगते हैं, लेकिन प्लीज आपको केयरफुली अच्छे से पढ़ना चाहिए. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेज वाई हु हैज बीन. बिल्कुल ऐसे इंग्लिश को यूज करना सीखो, और जब भी कभी भी लेटर ऐसा है जिसमें पेशेंट दो तीन महीने से आपका पेशेंट है तो यही यूज करो, हु हैज बीन अवर पेशेंट सिंस लास्ट 10 इयर्स एंड शी हैज बीन. टेंसेस को चेंज करना आना चाहिए, पहले लिख दिया हैज बीन अवर पेशेंट सिंस लास्ट 10 इयर्स एंड शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर 8 इयर्स, पिछले 8 सालों से. तो जहां पे मैं लास्ट वर्ड का यूज करता हूँ वहां पे मैं सिंस का यूज करता हूँ, सिंस लास्ट 8 इयर्स, सिंस लास्ट 10 इयर्स. और यहाँ पे मैंने फोर का यूज किया है तो मैंने लास्ट वर्ड को नहीं लिखा. अगर मैं यहाँ पे लास्ट वर्ड को लिखता हूँ तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा सिंस लास्ट 8 इयर्स. तो ये बात भी अच्छे से सीख लेना. प्लीज ट्राई टू रीड इट हु हैज बीन नाउ सो हैज बीन अवर पेशेंट सिंस लास्ट 10. अब ये लाइन लंबी हो रही है तो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरी लाइन को कनेक्ट कर सकूँ. मुझे ना नेक्स्ट लाइन कनेक्ट करनी है. तो नेक्स्ट लाइन क्या है, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सिंस लास्ट 8 इयर्स एंड इट इज नॉट वेल कंट्रोल्ड एट द मोमेंट. ऐसे सिंपल वर्ड्स लिखते हैं, ये आपका नेचुरल वर्ड है. यहां से एग्जामिनर को पता लगेगा आप कितनी अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो. नो, तभी ओईटी में कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं चाहिए. इट इज नॉट वेल कंट्रोल्ड एट द मोमेंट. टू नॉट कंट्रोल्ड है. ऑल्सो शी डज नॉट डू एक्सरसाइज एंड इज केयरलेस अबाउट हर डाइट. ये लाइन मैं चाहूं तो ना भी लिखूं, लिखने को लिख भी दो, लेकिन मैं कनेक्ट करना चाहता हूं. हैंस ही रिक्वायर्स हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम रिगार्डिंग डायबिटीज एंड how to control her blood sugar level. अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो बेस्ट है. And she requires, गलती से भी डी नहीं लिखना, सॉरी, she requires, for which she is being referred to you. आप ऐसे प्यारा सा लिख सकते हो नेचुरल इंग्लिश में. अगर आप बहुत छोटा लिखना चाहते हो, तो मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ सेम, और इसको एक बार कॉपी करके अगर आप बिल्कुल बेसिक लेने सर, दिस लेटर इज बीइंग हैज बीन अवर पेशेंट सिंस शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड इट इज नॉट वेल कंट्रोल्ड एंड शी रिक्वायर्स हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम रिगार्डिंग इट रिगार्डिंग हर कंडीशन एंड हाउ टू कंट्रोल हर ब्लड शुगर लेवल. So she is being referred to. हर चीज का फ्लो होता है. यहाँ पे फोर विच नहीं चच रहा था. And she requires this, so she is being referred to you. अब ऊपर वाला भी एक बार पढ़ते हैं. कई बार लाइन लिखने में बड़ी अच्छी लगती है, फिर कई बार सही से ना सूट नहीं करती. तो रिविजन बहुत जरूरी है. This letter is being written, इसे प्रूफ रीडिंग बोलते हैं. This letter is being written regarding Mrs. Y who has been our patient. Oh, patient में S लगा है, देखा गलती होगी ना, इसीलिए प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी होती है. No S. Who has been our patient since last 10 years. तो यहाँ पे S नहीं आएगा. Who has been our patient since last 10 years. She has been suffering from diabetes since last 8 years. अब ये भी flow में नहीं आ रहा. So that is where you need to improve yourself. यहीं पे आपको flow को ठीक करना होता है. क्योंकि जब तक आप flow को ठीक नहीं करोगे, letter कभी अच्छा नहीं बनेगा. कई बार आपकी grammar बिल्कुल accurate होती है, पर फिर भी teacher कहता है यार मज़ा नहीं आया. और आप सोचते हो यार पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया, इसको सही तो लिखा है, ऐसे ही तो पढ़ाया था. एक आपने ये गलती की, तो यहाँ पे since के कारण लगा, since last 10 years.
who has been our patient since last 10 years and has been suffering suffering from diabetes since last 8 years. ये एंड के बिना फ्लो में जा ही नहीं था, और दो बार सिंस नहीं अच्छा लग रहा तो मुझे 4-10 years कर देना चाहिए, फिर पढ़ के देखते हैं. That is where you need to improve. अब देखते हैं. This letter is being written regarding Mrs. Y, who has been our patient since last 10 years and she has been suffering from diabetes for 8 years. अब यहाँ पे फ्लो ठीक बन जाए, बस यहाँ पे अब ज्यादा लंबी लाइन नहीं कर सकते, तो अब मैं इसको यहाँ पे फुल स्टॉप डालता हूँ. It is not well controlled at the moment. Also, she does not do exercise and is careless about her diet. Hence, she requires health education program regarding diabetes and how to control her blood sugar level. अब यहाँ पे भी 4 which अच्छा नहीं लग रहा. So, she is being referred under you. So, she is being referred to you. Provide her education regarding diabetes. Now it is looking very nice. अब वही आपने जो पहले मैंने लिखा था ये वाला, it will fetch you around 300. इसके आपको 300 words मिलेंगे, क्योंकि grammar ठीक है, पर flow बहुत ही बेकार है, flow नहीं बन रहा. This letter is being who has been suffering from since last 10 years. She has been suffering from diabetes since 8 years. Flow नहीं बन रहा. पर यहाँ पे जैसे ही मैंने flow को अच्छे से लिखा, is being written has been patient since last 10 years and अगर मैं इसको ये हटा दूँ, flow और बढ़ जाएगा. देखना, अभी मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ. This letter is who has been our patient since last 10 years and has been suffering from diabetes for 8 years. तो यहाँ पे एंड लगा दिया, शी हटा दिया, मतलब सिंपल चल रहा है. Who has been our patient since last 10 years and has been suffering from diabetes for 8 years. अगर जरा सा भी अगेन थोड़ा सा और फ्लो बनाना है तो ये जरूरी नहीं है who has been our patient, ये हटा दो. अब देखना और इजी, मतलब जितना आप आसान करते रहते हो उतना बेटर होता जाता है, ये कमाल की बात है. This letter is being written regarding Mrs. Y, who has been our patient and has been suffering from diabetes since last 8 years. अब आपको लगेगा कि आपने सबसे आसान ये लिखा है, जो आप सबसे आसान लिखते हो वही आपका बेस्ट है. अब सच में आप प्लीज, जितना मैंने एफर्ट दिया है, आई नो बोर किया है मैंने थोड़ा सा, पर प्लीज द अमाउंट ऑफ एफर्ट आई हैव पुट इन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब देखो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. दिस लेटर इज बीइंग रिटन, और मैंने कम किया डाटा को, ज्यादा नहीं किया, मतलब आसान कर दिया और भी ज्यादा. हु हैज बीन अवर पेशेंट एंड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सिंस लास्ट 8 ईयर्स. It is not well controlled at the moment. Also, she does not do exercise. Hence, she requires education regarding this and how to control. So, she is being referred to you to provide her education. So, this is my final paragraph. अब बना best. अब दो paragraph आप आराम से लिख दो कि Mrs. Y, जो social history वाले, Mrs. Y is this and husband is this and this. मतलब husband को तो लिखना ही नहीं. So, ये आपका एक paragraph. Then ये second paragraph, careless about her diet and this and this and this. Last paragraph. ये major main सिखाना है आपको. First line हमेशा बनाओ discharge plans letter की, हमेशा. It would be greatly appreciated. Please इसे लिख के देखना 3-4 बार. If you could, it would be greatly appreciated if you could, जो भी पहला point है first form के साथ, यानी if you could educate the patient regarding this. आपको first form लिखनी है, तो जो भी आप लिखना चाहते हो, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड फर्स्ट फॉर्म, जो भी. अगर आपको एनकरेज करने वाला पॉइंट लिखना है पहले, तो एनकरेज, इफ यू कैन एनकरेज द पेशेंट टू अटेंड, जो मर्जी पॉइंट आप लिखो, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है उसको पहले लिखो. जैसे इसमें मॉनिटरिंग वाला पॉइंट ही पहले है, सो इफ यू कैन एनकरेज द पेशेंट या एजुकेट द पेशेंट या इफ यू कुड सॉरी मॉनिटर the blood sugar level of the patient with glucometer. So that is the first point, सबसे important point. So it would be greatly appreciated if you could, हमेशा ऐसे लिखना है. और first form जो भी आपको पहला point लिखना है, monitor करना है तो monitor, educate करना है तो educate. फिर एक simple point बनाओ kindly में वो attend formal meetings, kindly encourage him to attend formal meetings. जो भी अगेन आप कोई भी फर्स्ट फॉर्म वाला पॉइंट लिखो, काइंडली एनकरेज वाला पॉइंट लिख सकते हो, द पेशेंट टू अटेंड. अब एक पैसिव वॉइस बनाओ, ऑल्सो
या along with this. आराम से फुल स्टॉप लगा के लिखना है हमेशा along with this. A capital. हमेशा प्लीज along with this. The patient. अब एक passive voice. Should be के साथ third form. Patient को आगे रखो. Along with this, the patient should be educated regarding diet and exercise. बिल्कुल सिंपल. दो पॉइंट्स को मिक्स कर सकते हो. डाइट एंड एक्सरसाइज. फर्दर को यूज कर सकते हो. फर्दर ही नीड्स टू बी एजुकेटेड अबाउट. अगर एजुकेटेड है, अगर यहां पे नहीं तो कुछ भी पैसे बनाना चाहते हो, उसका थर्ड फॉर्म. सो मतलब अगेन आई वुड लाइक टू से आपके अगर फोर लाइंस बन रही हैं तो फर्स्ट वाली इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड. सेकेंड लाइन काइंडली. थर्ड लाइन द पेशेंट शुड बी एजुकेटेड पैसिव वॉइस. फिर फर्दर लगा के यहाँ पे अलोंग विद दिस लगा के यहाँ पे फर्दर लगा के ही नीड्स टू बी एजुकेटेड रिगार्डिंग. हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करो ताकि आपकी ग्रामर को पूरा चांस मिले. He needs to be educated, yeah, he should be. Phil, a line, it is also important for the patient. Jo bhi patient ko apne aap karna hai, it is also important for the patient to do light exercises regularly, such as swim. So, ye aap fifth tarika aapke likhne ka. So that is how you should write your discharge plan. That is your first paragraph. Agar aap isme se kuch udana bhi chahte ho, if you want to omit something or delete something from here, so it is not well controlled at the moment. Hence, she requires health education program regarding diabetes and how to control. So she is being referred to you to provide her education regarding diabetes. That is how you write the letter. So please do not take it for granted. I know it's very simple, it's very easy. That is why I always say OET is very easy, but it's just about practicing it with complete dedication that makes the difference. It's all about your dedication. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. Thank you.